गत रात्रि गांधी कैंप में दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते दो युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए घायल लाडी पुत्र साईंदास निवासी गांधी कैंप और दूसरे पक्ष के घायल किशन पुत्र रामस्वरूप निवासी गांधी कैंप ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। वहीं इस संबंधी जानकारी देते हुए एएसआई जोगिंदर पाल ने बताया कि दोनों पक्षों में झगड़ा पुरानी रंजिश के चलते हुआ है और उन्होंने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैंने फोन किया था, नहीं कहता भाजी गल सुन के जाइए। हाँ जी, लाडी ने, लाडी है साढ़े बैक सर। तो मैं गल सुन गया भतीजे मैं, तो इदा इदा गलबात करा, तू गली बड़िया गेड़िया लाना। मैं फिर गया तो मैं जो कार चलाने पिछले कृपाण करके मेरे सिर पर मारती। किन्ने बंदे सी? कल्ला ही सीगा। बाद उन्हें मम्मी आ गई, मम्मी ने मैं गल पूछी, मैं अपने मुंडे समझा के रखो। बाद उन्हें मम्मी ने मैंने हाथों पाई की फोन करके सद्या मार्केट च। किन्ने फोन करके सद्या? मुंडे ने, किशन ने। अच्छा, मैं गया, मैं कहा दस मेरी तैयारी पहला उन्हें पहला भी हुई गलबात इदा ही, तो मेरी भैन छेड़ता ही। अच्छा, मैं तेन पूछया बस है थी आ जाओ मेरे तेन बुलाया। अच्छा, फिर की गल हुई? बस मुझे मेरे की मारा तेरे तकरीबन 1:30 बजे लाडी पुत्र साईदास वर्षी गांधी कैंप अपने काम तो घर आया सी। तो वक्त तकरीबन 4 बजे लाडी अपने मोटरसाइकिल से बाजार जाने लिए गांधी कैंप की मार्केट पुजा। तो अगे अशोक नहीं हो भी जा रहे किशन पुत्र राम सिंह पहला ही खड़ा है, जो लाडी देख के गाली गलोच कर लग गया। तो लाडी ने उसका विरोध किया, फिर तू मैं गाला क्यों कड़ दिया? इन्ने दोवों का आपस में टकराव हो गया। किशन ने पुत्र पानपुर की चीज तो दो बार लाडी के उपर किए, एक लाडी के बांह से लगा, दूजा पेट से।